ये वर्ड आपने सुना या पढ़ा तो होगा ही, हो सकता है शायद ये आपने खाया भी हो, लेकिन इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? किनोवा, क्यूनोवा, कीनवा, कीनो। ओके ओके, लेट मी टेल यू, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है कीनवा। ओके, नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। लॉट ऑफ अस आर कंफ्यूजन की ज्यादा हेल्दी क्या है, कीनवा या फिर राइस। राइस की बात करें तो ऑफ कोर्स एक टाइम था व्हेन व्हाइट राइस वॉज द ओनली ग्रेन इन टाउन, और व्हाइट राइस ही घरों में ज्यादा इस्तेमाल होते थे। लेकिन कुछ साल पहले ही एक टर्म फेमस हुआ, ब्राउन राइस, जिसके बाद हेल्दी ग्रेन की लिस्ट से व्हाइट राइस हो गई आउट और ब्राउन राइस हो गई इन। बट द एक्चुअल रियलिटी इज दैट स्टिल 70% ऑफ द राइस कंज्यूम्ड इन द वर्ल्ड इज व्हाइट राइस। डू यू नो हाउ दिस ब्राउन राइस इज हेल्दियर देन व्हाइट राइस? लेट मी टेल यू। तो जो ये ब्राउन राइस है वो तो है होल ग्रेन राइस, दैट इज नॉट रिफाइंड। ब्राउन राइस में केवल राइस के बाहर के आउटर हल को रिमूव करके राइस को खाया जाता है, दैट मींस नो पॉलिशिंग, नो रिफाइनिंग, सिंपली इन इट्स ऑर्गेनिक फॉर्म। लेकिन जब इस ग्रेन को फर्दर रिफाइन करते हैं तब ये बन जाता है व्हाइट राइस, जिसमें आउटर हल के साथ साथ राइस की दो और लेयर्स को रिमूव किया जाता है, जो कि है ब्रान लेयर और सीरियल जॉन। दैट्स व्हाई व्हाइट राइस इज प्रीटी मच वर्ल्ड ऑफ ऑल द न्यूट्रिशन, हाईली रिफाइंड फूड, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स इन लेयर्स को रिमूव करने की वजह से चले जाते हैं। और इसी व्हाइट राइस को काफी टाइम तक गलत तरह से मार्केट करके इंक्लूडिंग इंडिया काफी कंट्रीज में बेचा गया। तो नाउ वी आर क्लियर ऑन द ग्राउंड दैट व्हाइट राइस वर्सेस ब्राउन राइस, अनडाउटेडली ब्राउन राइस क्लियरली विंस ऑन द बेसिस ऑफ इट्स न्यूट्रिशनल एडवांटेज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेवल, ब्राउन राइस वर्सेस न्यू किड इन द मार्केट कीनवा। क्योंकि हम में से बहुत से लोगों ने सुना जरूर है कीनवा के बारे में, बट प्रोबब्ली डोंट नो व्हाट इट इज। आप कीनवा के बारे में क्या जानते हैं कमेंट करके जरूर शेयर करना। एज कीनवा इज रिलेटिवली अ न्यू टर्म दैट हैज इमर्ज्ड एज अ हेल्दी अल्टरनेटिव फॉर राइस, और बहुत सी रेसिपीज में ये राइस की जगह ऑलरेडी ले चुका है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट टू नो बेटर एंड कंपेयर बेटर। हम दोनों ब्राउन राइस एंड कीनवा की न्यूट्रिशनल वैल्यूज को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कैलोरीज की। एक कप कुक कीनवा से हमें मिलती है अप्रॉक्स 222 कैलोरीज, वेयर एज वन कप ब्राउन राइस गिव्स 218 कैलोरीज। नॉट मच अ डिफरेंस, कैलोरी कंटेंट ऑलमोस्ट बराबर सा है, तो इस पैरामीटर में मैं कहूंगी कि विन विन सिचुएशन है दोनों में, दोनों में से कोई भी ग्रेन खा सकते हैं आप। अब देखते हैं प्रोटीन कंटेंट। दोनों ब्राउन या व्हाइट राइस के एक कप से हमें मिलता है अप्रॉक्स 4-5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, और कीनवा के एक कप में होता है 8 ग्राम प्रोटीन। तो अनलाइक कैलोरीज, प्रोटीन कंटेंट में डिफरेंस ज्यादा है, ऑलमोस्ट 70% ज्यादा प्रोटीन है कीनवा में एज कम्पेयर टू ब्राउन राइस। ऐसा इसलिए भी बिकॉज कीनवा इज वन ऑफ द फ्यू प्लांट सोर्सेज दैट आर कंप्लीट प्रोटीन, और क्योंकि रिच इन प्रोटीन है, दिस इज अ ग्रेट प्रोटीन ऑप्शन फॉर वेजिटेरियंस एंड वीगन्स। सो फॉर प्रोटीन कीनवा विंस। नाउ लेट्स कंपेयर फाइबर, क्योंकि हाई फाइबर डाइट के बेनिफिट्स बहुत हैं, जैसे कि इट कीप्स यू फुलर फॉर लॉन्गर, हेल्प्स यू लूज वेट, रिड्यूस डायबिटीज एंड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, नॉर्मलाइज बॉल मूवमेंट। तो एक कप कीनवा में होता है 4.4 ग्राम फाइबर, और वहीं एक कप ब्राउन राइस में होता है 3.5 ग्राम ऑफ फाइबर। एंड व्हाइट राइस, जिसको हम ऑलरेडी रेस से बाहर कर चुके हैं, जस्ट फॉर योर नॉलेज, हैज ओनली 0.6 ग्राम फाइबर, व्हिच इज क्वाइट लो। सो फॉर फाइबर कंटेंट आल्सो कीनवा विंस अगेन। नाउ लेट्स सी हाउ अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। एक कप कीनवा में होते हैं अप्रॉक्स 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, और एक कप ब्राउन राइस में होते हैं 46 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आप चाहते हैं लो कार्ब डाइट लेना या फिर वेट लॉस या लो शुगर फूड चाहते हैं, देन ऑफ कोर्स कीनवा इज योर टू गो, बिकॉज दिस हेल्प्स इन बूस्टिंग मेटाबॉलिज्म एंड रिड्यूसिंग एपेटाइट। अब कंपेयर करते हैं इन दोनों में प्रेजेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को। बोथ कीनवा एंड ब्राउन राइस कंटेन्स हाई लेवल ऑफ डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ब्राउन राइस में होता है फॉस्फोरस, मैंगनीज, मैग्नीशियम, और वही कीनवा में होता है आयरन, मैंगनीज, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम एंड पोटेशियम। क्लियरली कीनवा में थोड़े ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं एज कंपेयर टू राइस, सो वी कैन से अगेन दैट कीनवा विंस। ये तो हुआ कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर दोनों का कंपैरिजन, एंड फाइनली अगर हम ओवरऑल देखें तो दोनों ही ब्राउन राइस एंड कीनवा आर न्यूट्रिशनली हेल्दी, एंड एक्चुअल में इन रियल सेंस कोई भी क्लियर विनर नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही ग्रेन्स ग्लूटेन फ्री हैं, मिनरल्स एंड फाइबर्स का बढ़िया सोर्स है, और दोनों ही डाइजेशन के लिए अच्छे हैं। बस हल्का सा फर्क ये है कि कीनवा में ब्राउन राइस के कंपैरेटिवली डाइटरी फाइबर और प्रोटीन ज्यादा होते हैं, सो इट ब्रिंग्स अ मोर फिलिंग एडिशन टू योर डाइट। तो अगर आप चावल खा खा कर बोर हो चुके हैं तो अपनी डाइट में कीनवा को जरूर इंक्लूड करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्दी चेंज होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा, कुछ नया आपको पता चला होगा।
If yes, then for more such thought-provoking videos, जल्दी से प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें because health is the best relationship between you and your body. चलो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में.